विच का इस्तेमाल हम एनिमल्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए और थिंग्स के लिए करते हैं। ठीक है, वन सेक प्लीज़। मुझे याद है कि विच का इस्तेमाल इंसानों के लिए नहीं होता, तो फिर केबीसी में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से कौन से खिलाड़ी ने ये खिताब जीता है, क्वेश्चन हु से स्टार्ट होता है, हु ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज़ वन दिस। मुझे लगता है क्वेश्चन विच से स्टार्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स, लेकिन विच का यूज तो इंसानों के लिए होता नहीं है। वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। Hey, this is Kapil Dev Sharma and welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. This is the 9th video of pronoun और अभी तक के videos में हमने pronoun का introduction, personal pronouns I, we, you and you, he, she, it and they, इनसे जुड़े rules and regulations, इनके cases, इनके subjective, objective case, etc. Demonstrative pronouns this, that, these, those, such, one. Interrogative pronouns who, whom, whose, which, what, जिनसे हम noun से रिश्ता रखने वाले शब्दों से के क्वेश्चन पूछते हैं, that's why these are called pronouns. लेकिन where, when, why, how many, how much, जिनसे हम noun से रिश्ता रखने वाला क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इसलिए इनको pronoun की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। बेसिकली these are adverbs, जो हम adverbs में देखेंगे। और लास्ट वीडियो में यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, जिसमें के यूज ऑफ हु, यूज ऑफ हुम। एक बार वापस कहना चाहूँ, रिलेटिव प्रोनाउन उन्हें कहा जाता है जब हम किसी चीज़ से रिलेट करते हैं, अक्सर अपने पिछले शब्द से रिलेट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं, जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शेयर किया था और ये भी बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पर हु और हुम का इस्तेमाल प्रिसाइजली इंसानों के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान सब्जेक्ट हो सकते हैं, मैंने उसे बुलाया था, मैं सब्जेक्ट हूँ, और इंसान ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, उसे मेरे द्वारा बुलाया गया था। जब आप सब्जेक्ट्स का जिक्र करें वहाँ पर आप हु का इस्तेमाल करें, और जब आपको ऑब्जेक्ट्स की बात करनी हो तो वहाँ पर हुम का इस्तेमाल करें। मैंने आपको एग्जाम्पल्स में जो रखा, एक बार वापस कहना चाहूँगा, थोड़ा सा रिविजन के पैसिव वॉइस में जो हु से सेंटेंस स्टार्ट होता है क्योंकि वो सब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस में जो हु से सेंटेंस स्टार्ट होता है बिकॉज वो सब्जेक्ट था, पैसिव में जाते जाते वो बाय हुम में ट्रांसलेट हो जाता है बिकॉज सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो हु सब्जेक्टिव केस फॉर ह्यूमंस एंड हुम ऑब्जेक्टिव केस फॉर ह्यूमंस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न के विच का यूज कहाँ करते हैं, यूज ऑफ विच। तो जनरल सी बात है, इंसानों को हटा दीजिएगा, बच्चे कुचे सबके साथ में विच का इस्तेमाल करते हैं। और बचता क्या है, तो जनरली एनिमल्स की बात आती है, नॉन लिविंग्स की बात आती है, ऑब्जेक्ट्स की बात आती है, थिंग्स की बात आती है। अगर वस्तुओं की बात करनी हो, जानवरों की बात करनी हो, किन्हीं चीज़ों की बात करनी हो, इस केस में हमारा विच हमेशा इस्तेमाल किया जाता है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। आई रिपीट, विच इज़ यूज्ड फॉर नॉन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि जो इंसान नहीं है। मैंने साइंस नहीं पढ़ाई कि जो जीवित और मृत है, जो इंसान नहीं है उनके लिए विच का इस्तेमाल करें। वो जानवर हो सकता है, वो वस्तु हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, मे बी एनिमल्स, मे बी ऑब्जेक्ट्स, मे बी थिंग्स। और हाँ, इसी के एडवांस में देखेंगे कि वो पूरी नाउन फ्रेज भी हो सकती है। इंग्लिश में नाउन फ्रेजेस की जगह पर भी विच का इस्तेमाल करते हैं, क्या होती है वी आर गोइंग टू सी लेटर ऑन इन दिस वीडियो। तो एक बार फिर से कहना चाहूँ, विच का इस्तेमाल हम एनिमल्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए और थिंग्स के लिए करते हैं। ठीक है, वन सेक प्लीज़। मुझे याद है कि विच का इस्तेमाल इंसानों के लिए नहीं होता, तो फिर केबीसी में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से कौन से खिलाड़ी ने ये खिताब जीता है, क्वेश्चन हु से स्टार्ट होता है, हु ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज़ वन दिस। मुझे लगता है क्वेश्चन विच से स्टार्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स, लेकिन विच का यूज तो इंसानों के लिए होता नहीं है। We are going to see in this video. So let's start use of which for non-livings, जिसमें कि non-human beings, animals, things, objects, noun phrases, etc. तो आइए नजर डालते हैं कुछ examples पर which as a relative pronoun. Okay, in these examples we can see we have used which as a relative pronoun. जैसा पहले भी कहा कि which को सिर्फ relative pronoun ना कहा जाए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने का भी काम करता है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन था जब पूछा गया, आज जब रिलेट करेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट चैप्टर एडजेक्टिव में हम लोग देखेंगे कि which इंग्लिश में एडजेक्टिव भी होता है, वो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज ऑफ which. द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, वो पल जो एक बार चला जाए हमेशा के लिए चला जाता है। आई रिपीट, द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। मैंने जैसा पिछली स्लाइड में भी कहा, कई लोग जानते हैं इन चीज़ों को, जो लोग नहीं जानते आपको एम्फेसाइज करना चाहूँ, प्रेशराइज करके थोड़ा कहना चाहूँ कि यहाँ पर दो बार इज लॉस्ट लिखा है, इज लॉस्ट इज लॉस्ट, किसी को अजीब ना लगे, दो बार लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं गलती से नहीं लिख दिया, माफ कीजिएगा। मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, वापस कहना चाहूँ कि जब भी हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं एक रिलेटिव प्रोनाउन का, तो वो रिलेट करने के लिए आता है, सब्जेक्ट होगा, आई रिपीट, उसके पास खुद की वर्ब भी होगी, एक क्लॉज बनाने का काम करता है, जबकि एक मेन क्लॉज भी रहा होगा जिसके पास पूरा डिस्क्रिप्शन है, ये सबऑर्डिनेट है, वो मेन क्लॉज है। नहीं समझ आया, जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वापस दिखेगा। द मोमेंट सब्जेक्ट है, इज लॉस्ट फॉर एवर, वो पल हमेशा के लिए चला जाता है, कौन सा पल, आई रिपीट, द मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, वो पल हमेशा के लिए चला जाता है, कौन सा पल, तो जरा पल के बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए, इसीलिए उस पल से रिश्ता रखकर हमने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है कि कौन सा पल जो एक बार चला जाए तो हमेशा के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर इस मोमेंट की वर्ब ये है, इज लॉस्ट फॉर एवर, और इज लॉस्ट जो सेकंड फर्स्ट वन है एक्चुअली, उसका सब्जेक्ट ये रिलेटिव प्रोनाउन विच है, आई रिपीट, यहाँ पर दो क्लॉज हैं, विच इज लॉस्ट, जो एक बार खो जाए, क्या खो जाए नहीं पता, वो पल हमेशा के लिए चला जाता है, कौन सा पल, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, वो पल जो हमेशा के लिए चला जाता है, तो हमेशा के लिए ही जो एक बार चला जाए, वो पल जो एक बार चला जाए हमेशा के लिए चला जाता है, द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आप देख सकते हैं कि मोमेंट कोई इंसान नहीं है, बिकॉज हु और हुम का यूज इंसानों के लिए करते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए, नॉन लिविंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी हमेशा विच यूज करते हैं। तो मोमेंट यहाँ पर कोई भी टर्म है, इंसान नहीं है, मैं हु और हुम का यूज नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए आपने रिलेट करने के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल किया, द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। द बुक विच यू बॉट इज वेरी हेल्पफुल, वो किताब जो आप खरीद कर लाए थे बहुत अच्छी थी, वापस एक झलक में फिर से कहूँ, एक्चुअल सब्जेक्ट यहाँ पर है, द बुक इज हेल्पफुल, द बुक इज हेल्पफुल, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो आप खरीद कर लाए थे, आई रिपीट, जो आप खरीद कर लाए थे, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, द बुक इज हेल्पफुल दैट यू बॉट, दो वर्ब हैं, एक यू के लिए जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट है, एक इज है जो आपके मेन क्लॉज की सब्जेक्ट है, ठीक है। विच का यूज यहाँ एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, रिश्ता किससे होगा, रिलेट किससे करेगा, जी हाँ, जस्ट अपने पिछले शब्द से, तो चूंकि पिछला शब्द बुक है और बुक को डिफाइन करने के लिए आपको विच ही मार्क करना होगा, मैं वो बुक के लिए हु और हुम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, अगर यहाँ बॉय लिखा होता तो ऑब्वियसली द बॉय हु या द बॉय हुम, बट फॉर अ बुक वी गॉट टू से विच, सो द बुक विच यू बॉट इज हेल्पफुल, वो किताब जो आप लेकर आए थे बहुत अच्छी है। दिस इज द हाउस which belongs to me, I repeat, this is the house which belongs to me, तो यहाँ जो which है as usual अपने पिछले शब्द house के लिए है, house एक नॉन लिविंग है, एक इंसान नहीं है, और इंसान नहीं है तो आपके लिए who और whom का यूज नहीं किया जा सकता, बेसिकली आपके लिए हमेशा which का यूज होगा। तो यहाँ which फिर से एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेट करने के लिए अपने पिछले शब्द जो कि इंसान नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आप विच का यूज करें, वो घर जो, ये वो घर है जो मेरा है, बिलोंग्स टू मी कह दीजिएगा, सो दिस इज द हाउस जो एक नॉन लिविंग है, इसीलिए विच बिलोंग्स टू मी। द फ्लावर्स विच ग्रोज इन दिस गार्डन आर नॉट फॉर सेल, वापस क्लॉज की नजर दिखाना चाहूं तो द फ्लावर्स आर नॉट फॉर सेल, द फ्लावर्स आर नॉट फॉर सेल, ये भाई फल और फूल ये बेचने के लिए नहीं है, तो कौन से वाले जो हमारे गार्डन में होते हैं, तो ये बेचने के लिए नहीं है, तो वापस क्लैरिटी देना चाहूँ प्लीज कि फ्लावर्स के लिए आर लिखा है, ये मेन क्लॉज है आपका, विच ग्रोज इन दिस गार्डन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जहां पर आपने एक सबऑर्डिनेट तौर पर सब्जेक्ट और वर्ब को मार्क कर रखा है, रिलेट किया है किसी पिछले शब्द से, और पिछला शब्द क्या है, फ्लावर्स, फ्लावर्स को रिलेट करने के लिए विच का इस्तेमाल किया, आई रिपीट, फ्लावर्स कोई इंसान नहीं होते, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं रखते हैं जिनके लिए हु और हुम का इस्तेमाल किया जा सके, तो ऑब्वियसली फ्लावर्स के लिए विच का ही इस्तेमाल करना होगा, द हाउस विच, द बुक विच, द मोमेंट विच एंड द फ्लावर्स विच। मेरा 2 सेकंड के लिए पॉज है, कई लोगों को दिख गया हो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं दिखा हो मैं तो एक झलक में कहना चाहूँगा, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन का सेकंड वीडियो है, एक वीडियो में इतना बड़ा नहीं बना सकता था, तो मैं वापस कहना चाहूँ अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, यूज़ ऑफ हु एंड हुम, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं थोड़ा पॉज करूँ, मुझे ये सेंटेंस थोड़ा गलत लग रहा है, जिनको दिख जाए मोस्ट वेलकम, जिनको नहीं है प्लीज़ ध्यान रखेगा। जैसा मैंने हमेशा कहा है कि हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ हेडिंग नहीं लिखी होती कि इसमें प्रोनाउंस की गलती है, भाई रिलेटिव प्रोनाउन की गलती है, प्लीज़ आप बता दीजिए हु गलत लिखा है या विच गलत लिखा है। एग्जाम में हमें हर चीज़ को देखकर चलना पड़ता है, जिस केस में कंजंक्शन गलत हो सकते हैं, हाउएवर मैं अभी आपसे नहीं पूछूंगा, मैंने नहीं पढ़ाए हैं। प्रपोजिशन गलत हो सकते हैं, वर्ब गलत है, एडजेक्टिव गलत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ एक गलती जानबूझकर की है। अगर आपने मेरे बोलने से पहले देख ली थी, आप अटेंटिव हैं, आप एक्टिव हैं, और अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, अब एक्टिव हो जाइए। और हमेशा सेंटेंस को पूरी नज़र से देखिए कि यहाँ ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, etc. गलती कुछ ये है, the flowers which grows in this garden are not for sale। एक झलक में शायद ना दिखे। मैंने पिछले वीडियो में कुछ शब्द कहे कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने पिछले शब्द से रिश्ता रखता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग वर्ब मार्क करता है। आई रिपीट, एक रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है अपने पिछले शब्द से, इसलिए उसकी आइडेंटिटी, उसका नंबर अपने पिछले शब्द पर डिपेंड करेगा। अगर उसका पिछला शब्द जिससे आप रिश्ता रखते हैं सिंगुलर है तो वो शब्द भी सिंगुलर है, और अगर पिछला शब्द जिससे आप रिश्ता रखते हैं वो प्लूरल है तो आपको भी वहाँ प्लूरल बिहेव करना होगा। जल्दी से कंक्लूड करूँ तो मोमेंट यहाँ सिंगुलर शब्द था, इसीलिए विच के बगल में इज लिखा गया, द मोमेंट विच इज। अगर यहाँ पल लिखे होते ज़्यादा, द मोमेंट्स, तो मुझे विच आर लिखना होता, कॉमन सेंस। द बुक, चूंकि एक किताब है इसीलिए विच यू बॉट, एक्चुअली यहाँ पर विच ऑब्जेक्टिव केस में है तो वर्ब नहीं ले पाएगी। दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू मी, चलिए इसी से बात कर लेते हैं। एक घर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में SES आता है, सो द हाउस विच बिलोंग्स टू मी, हाउस के लिए SES लगाना जायज़ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। हाँ, अगर यहाँ हाउसेज लिखा होता कि ये वो घर हैं जो हमारे हैं, सो हाउसेज के लिए SES नहीं आता, जरा यहाँ नजर रखेंगे। द फ्लावर्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, मुझे सिर्फ आंसर नहीं सिखाने है कि यहाँ पर हु आएगा कि विच आएगा, आप पूरी भाषा का ध्यान रखें, एग्जाम में हेडिंग लिखकर नहीं आती। तो यहाँ विच का इस्तेमाल फ्लावर्स के लिए है, फ्लावर्स एक प्लूरल टर्म है और किसी प्लूरल टर्म की वर्ब में SES नहीं आता। आई होप यू रिमेंबर, ही गोज टू स्कूल बट आई गो टू स्कूल, नॉट आई गोज टू स्कूल। एक सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब में SES आता है जबकि एक प्लूरल सब्जेक्ट की वर्ब में SES नहीं आता, तो मुझे करेक्शन ही करना पड़े, यहाँ से SES हटा दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि किसी एग्जाम में इस तरह की सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन की ही एरर देकर कहा जाए। गलती वर्ब की भी हो सकती है, गलती प्रपोजिशन की हो सकती है, किसी और भी चीज़ की हो सकती है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सो फाइनली अब हम कह सकते हैं द फ्लावर्स विच ग्रो इन दिस गार्डन आर नॉट फॉर सेल, वो फल फूल जो भी हैं जो इस गार्डन में होते हैं वो हम बेचने के लिए नहीं बनाते हैं। सो द फ्लावर्स एक नॉन लिविंग है, ऑब्जेक्ट है, थिंग है, इसलिए इसके साथ हमेशा विच का इस्तेमाल कीजिए, नॉट हु नॉर हुम। दिस इज द डॉग विच बिट मी, यही वो डॉग है जिसने मुझे बाइट किया था। डॉग के लिए हम साइंस की भाषा में, क्योंकि हमें साइंस दिमाग में होती है, दैट्स फाइन, वो सब्जेक्ट है, बट दैट्स अ लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज है, ऊपर से फॉर्मल लैंग्वेज है। एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो फॉर्मल लैंग्वेज टच करनी होती है, उस मजबूरीवश ही सही। डॉग माना जीवित वस्तु है, बट जैसा मैंने आपसे हर बार कहा नाउन के वीडियोस में, प्रोनाउन के वीडियोस में, इंसानों को ही सारे हक होते हैं, जानवर उस कैटेगरी से बाहर हैं। तो जैसे वस्तुएं होती हैं वैसे इंग्लिश जानवरों को कंसिडर करती है एज एन ऑब्जेक्ट। तो जानवरों के साथ जनरल तौर पर, मैं नहीं कहूँगा किसी किताब के रूल से कि कभी नहीं आता, जानवरों के साथ भी हु आ सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वो लोग जानवरों के लिए हु को अलाउ नहीं करेंगे। प्रिटी ओपनली मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जानवरों के लिए हु का इस्तेमाल करना वर्जित है, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड है। बट हाँ, अगर आप मैगजीन, अखबार, अपनी डेली लाइफस्टाइल के लिए यूज़ करना चाहें आप बाखूबी यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा थोड़े बड़े जानवरों के लिए आप इनका इस्तेमाल करें। छोटे मोटे जानवरों को एज एन ऑब्जेक्ट रखकर उनके साथ हमेशा विच प्रेफर कीजिए, और फॉर एग्जामिनेशन इन सब के साथ हमेशा विच आता है। तो प्लीज़ इनके साथ हु और हुम लगाने की गलती ना करें कि द डॉग, द काउ, ऐसा कोई भी जानवर अगर मेंशन हो तो हम उसके लिए हु का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जानवर है, जीवित वस्तु है, यहाँ साइंस की बात नहीं हो रही, दैट्स अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज के अपने ओन टर्म्स और कंडीशंस होते हैं। सो डॉग के साथ भी रिलेट करने के लिए आपको विच ही लिखना होगा। डॉग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, चूंकि वो पास्ट में है इसलिए वहां पर SES का कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता, प्लीज ध्यान रखिएगा। जानवरों के साथ भी हमेशा विच ही इस्तेमाल किया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, I've seen the car which was black. हाँ, मैंने वो कार देखी है जो ब्लैक कलर की थी। तो I have seen the car, ऑब्वियसली कार सब्जेक्ट है यहाँ पर, जो भी है ऑब्जेक्ट कह दीजिएगा, वैसे है नहीं। लेकिन मुझे उससे रिलेट करना है और रिलेट करने के लिए एक नॉन लिविंग के साथ में हमेशा विच का ही इस्तेमाल होता है। सो दिस इज द कार विच वॉज ब्लैक, यही तो वो गाड़ी है जो ब्लैक कलर की थी या फिर है। सो दिस इज द कार विच वॉज ब्लैक। एक बार वापस कहना चाहूँ, एंटीसीडेंट के हिसाब से हमेशा आपके रिलेटिव प्रोनाउन चलते हैं। कार सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया है, और इंसान नहीं है तो मैं इसके साथ हु और हुम का यूज नहीं कर सकता। एंड द लास्ट वन, She has the picture। वो आप कह रहे थे ना वो मेरी इमेज नहीं मिल रही है, वो उसके पास है। She has the picture। अब पिक्चर के लिए ना मैं who लिख पाऊंगा ना मैं whom लिख पाऊंगा, I have to say which। So this is the picture और she has the picture which you needed। जिस पिक्चर की आपको जरूरत थी, जो इमेज आपको नहीं मिल रही थी, वो उसके पास है। The picture एक नॉन लिविंग है, ऑब्जेक्ट है, थिंग है, इसके लिए हमेशा आपको आंसर which लिखना होगा। जल्दी से एक बार रिवाइज करना चाहूँ। The very first one, the moment which is lost forever। वो पल जो एक बार चला जाए हमेशा के लिए चला जाता है। मोमेंट एक नॉन लिविंग था, एक तरह से इंसान नहीं था, इसीलिए इसके लिए आपने विच का इस्तेमाल किया। द बुक विच यू बॉट इज वेरी हेल्पफुल। जो किताब आप लाए थे बहुत अच्छी है, किताब इंसान नहीं है इसीलिए इसके लिए हु और हुम ना होकर विच का इस्तेमाल कीजिए। दिस इज द हाउस, ये वो घर है जो मेरा है, तो यहाँ पर हाउस इंसान नहीं है इसीलिए विच का इस्तेमाल करें। द फ्लावर्स, फ्लावर्स के लिए ऑब्वियसली मुझे विच लिखना होगा, बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा एक एंटीसीडेंट के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन अपने पिछले शब्द के लिए चलता है। अगर वो सिंगुलर है तो उसमें एस रखें, और अगर वो प्लूरल है तो वहाँ से एस हटा दीजिएगा। आई होप यू रिमेंबर। दिस इज द डॉग विच बिट मी। सबसे ज़्यादा गलत हम कर देते हैं जानवरों को जीवित मानकर उनके साथ हु और हुम लगाना, जो इंग्लिश जनरल तौर पर अलाउ नहीं करती इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जानवरों के साथ भी हमेशा विच का इस्तेमाल कीजिए। आई हैव सीन द कार विच वॉज ब्लैक। मैंने वो गाड़ी देखी है जो ऐसी थी। कार एक नॉन लिविंग है, इसके साथ हमेशा विच यूज करें। और दिस इज द पिक्चर विच यू नीडेड। वो पिक्चर जो आपके पास थी उसके पास है। ETC पिक्चर के लिए मुझे रिलेटिव प्रोनाउन विच इस्तेमाल करना होगा। आप इन्हें देख सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ एडवांस सेंटेंसेस नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ हैव अ लुक एट दीज स्टेटमेंट्स। Okay, here I come। कई बार ऐसा होता है, जो मैंने पिछली स्लाइड में जस्ट अभी आपको बताया, कि हम बुक के लिए विच, नॉन लिविंग्स के लिए विच इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मुझे ग्रामर नहीं आती, वो बोलचाल की भाषा से भी दिख जाता है। द बॉय हु जायज़ है, द बुक विच कॉमन सेंस, द बुक हु तो मैं नहीं बोलूँगा। तो कुछ चीज़ें हमें बोलचाल की भाषा से आ जाती हैं, डजेंट मैटर हमें उसकी ग्रामर पता है या नहीं पता है। कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल ही नहीं होती, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम आती हैं, और उनमें ग्रामर काम आती है। तो हर वक्त उनको कॉमन सेंस से नहीं देखा जा सकता, जो हम बोलचाल से सीखते हैं। आइए ज़रा देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर विच का इस्तेमाल एज अ रिलेटिव प्रोनाउन किसी एक शब्द के लिए नहीं, पूरी की पूरी फ्रेज के लिए, यानी 3-4 शब्दों के लिए या पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए होता है। आई रिपीट, जनरल तौर पर विच का इस्तेमाल एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हम पिछले शब्द के लिए करते हैं, जैसा हमने देखा या हमने हमेशा देखा होगा। द हाउस विच, द बुक विच, द कार विच, ETC। कई बार आपको कार और हाउस देखने को नहीं मिलेगा, उसकी जगह एक इतना बड़ा सेंटेंस लिखा होगा, उसके बाद विच लिखा है। तो प्लीज़ हम उस विच को ये ना ढूंढें, ये पिछले शब्द से रिश्ता रखकर किसी एक शब्द के पास है। मैथमेटिक्स में कई बार 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 से होता है, और कई बार पूरी इक्वेशन 3x + 4y × 5 हो जाता है, जिस 5 का रिश्ता किसी एक शब्द से नहीं, पूरी की पूरी इक्वेशन से रहता है, पूरे के पूरे सेंटेंस से रहता है। तो आइए देखते हैं कई ऐसे स्टेटमेंट्स जहाँ पर विच एज अ रिलेटिव प्रोनाउन किसी एक शब्द से नहीं, पूरे फ्रेज या क्लॉज या पूरे सेंटेंस को रिलेट कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये काम हु और हुम नहीं कर सकते, बिकॉज वो प्रिसाइजली इंसानों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी नाउन फ्रेज के लिए, किसी भी फ्रेज के लिए, क्लॉज के लिए या सेंटेंस के लिए या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए इंग्लिश विच को ही अलाउ करती है। कैसे, देखते हैं। द गर्ल वॉज सेड टू बी ड्रंक। ऐसा कहा गया था कि वो लड़की नशे में थी। ये बात तो गलत है। अब गलत क्या है? लड़की गलत है, नशा गलत है, सेंटेंस ऐसा नहीं कह रहा। सेंटेंस ये कह रहा है कि वो लड़की, ऐसा कहा गया था कि वो लड़की नशे में थी, ये बात गलत है। तो वो लड़की नशे में थी, ये बात गलत है। तो यहाँ पर अगर मैं ये शब्द का इस्तेमाल हिंदी में कर रहा हूँ, हमारी बोलचाल की भाषा में, तो वो ना लड़की एक शब्द के लिए है, ना ड्रंक के लिए है, ना किसी एक शब्द के लिए है, पूरी की पूरी इक्वेशन के लिए है, पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए है। आई रिपीट, द गर्ल वॉज सेड टू बी ड्रंक। which was not the case. So what was not the case? केस था क्या नहीं कि लड़की ड्रंक है, ये केस था ही नहीं। ये बात मैंने तुमसे पूछी नहीं थी कि लड़की ड्रंक है कि नहीं है, मैंने कुछ और पूछा था। तो यहाँ पर अगर मैं विच को रिलेट करना चाहूँ, विच एज अ रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्वियसली है, बट इसका रिश्ता किसी एक शब्द से नहीं है, ड्रंक से। ड्रंक तो नाउन भी नहीं है जिससे आप किसी प्रोनाउन को लिंक कर पाएंगे। फिर क्या करें? तो यहाँ पर ऑब्वियसली विच किसके लिए है? अपने पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए, क्लॉज के लिए, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। आई रिपीट, लॉजिकली मीनिंग के आधार पर भी वो लड़की कहा गया था कि ड्रंक है, जो केस था ही नहीं। तो ड्रंक की केस की बात नहीं हो रही, वो लड़की ड्रंक है ये केस नहीं था। तो यहाँ पर विच का इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन हुआ तो है, लेकिन किसी एक शब्द के लिए नहीं, पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए है। क्या आपको क्या लगता है वो लड़की पी हुई थी? ना, ये बात थी नहीं। तो ये बात, क्या बात? पूरा का पूरा सेंटेंस उसका एंटीसिडेंट बिहेव करेगा, उससे रिलेट करने का काम करेगा। फिर से देखें एक नए एग्जाम्पल के साथ। He said he saw me in the garden. तुम तो कह रहे थे कि तुमने मुझे गार्डन में देखा था। I repeat, he और you एक ही बात है यहाँ पर। उसने कहा, आपने कहा he said he saw me in the garden. तुम कह रहे थे, वो कह रहा था कि उसने मुझे गार्डन में देखा है। ये तो झूठ है, ये तो झूठ है। अब झूठ क्या है? गार्डन झूठ है, द झूठ है, मी झूठ है, saw, he, said, he, what ना, ये पूरी बात झूठ है ना। इसीलिए इसको फ्रेज कहिए, इसको क्लॉज कहिए, या पूरा सेंटेंस कह दीजिएगा। और विच का इस्तेमाल यहाँ किसी एक शब्द के लिए नहीं है कि विच यहाँ पर गार्डन से रिश्ता रखेगा, पूरे के पूरे सेंटेंस से रिश्ता रखता है। आई रिपीट, ऐसा कहा गया था कि लड़की ड्रंक है, ये गलत बात थी। तो यहाँ पर ये शब्द का इस्तेमाल पूरे सेंटेंस के लिए था। सिमिलरली, तुमने कहा था कि तुमने मुझे गार्डन में देखा है, ये बात झूठ थी। क्या झूठ था? तो यहाँ पर विच वापस एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन रिश्ता किसी एक शब्द से नहीं है, गार्डन से नहीं है। तुमने कहा था कि तुमने मुझे गार्डन में देखा है, ये बात झूठ थी। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन तो है, लेकिन रिश्ता किसी एक से नहीं, पूरे के पूरे सेंटेंस से है, फ्रेज से है, क्लॉज से कह दीजिएगा। एक और शब्द से देखते हैं। यू आर हियर, आप यहाँ पर हैं, विच इज फॉर्चुनेट, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आई रिपीट, आप यहाँ तक आए ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप मेरे पास हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अब गर्व की बात है क्या? आप हैं ना, आपसे नहीं कहा, आप यहाँ पर हैं, इस पूरी बात के लिए मैंने गर्व कहा है। आप मेरा साथ देते हैं, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए ज़रूरी आप हैं इनडायरेक्टली, लेकिन आप मेरा साथ भी तो देते हैं, ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरे लिए भाग्यशाली है, मेरे लिए फॉर्चुनेट है। इन सारे टर्म्स में अगर मैं विच को रिलेट करना चाहूँ एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो विच यहाँ हियर इंग्लिश में एडवर्ब होती है जिसका प्रोनाउन से कोई रिश्ता नहीं है। तो हियर से विच का वैसे भी कोई रिश्ता नहीं है। फिर किसके लिए है? तो ये एक शब्द के लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे इस सेंटेंस के लिए है कि यू आर हियर, आप यहाँ तक आए। हाँ, दिस इज फॉर्चुनेट, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब मैंने चूंकि बोलचाल में दिस बोला, वो अलग सेंटेंस डिफाइन करेगा, और अगर मैं रिलेट करूंगा तो वो विच काम कर पाएगा, एक रिलेटिव प्रोनाउन। आपको लगता क्या है? यहाँ पर हु लिख सकते थे, यू आर हियर हु इज फॉर्चुनेट, तो हु लिखकर वो आप पर चला जाता। आप सौभाग्यशाली हैं, ये बात सौभाग्यशाली है, इसके लिए मैं हु और हुम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आई हैव टू से Which is fortunate. I repeat, आप यहाँ तक आए, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप हमेशा मेरा साथ देते हैं, that's good for me. तो यहाँ पर which का इस्तेमाल here या किसी एक शब्द के लिए नहीं, पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए है। फिर से देखना चाहें, he has paid off his debts. इसको debt पढ़ते हैं, मैंने कभी बताया होगा, debt, not debt. यहाँ be silent है, उधार के लिए। He has paid off his debts. उसने अपनी उधारी चुका दी है, which is a clear proof of his honesty. जो शो करता है कि वो ईमानदार इंसान है, ये बात उसकी ईमानदारी को सिद्ध करती है। अब ये which किसके लिए है? क्या लगता है? डेट के लिए है, उधारी के लिए which है। उधारी सिद्ध करती है कि वो ईमानदार है? शायद नहीं। हिज सिद्ध करता है कि वो ईमानदार है? ना, ऑफ ना, किसी एक वर्ड की बात ही नहीं हो रही। जैसा कई बार कहा, आई होप सो आपको क्लियर होगी इमेज, कि कई बार विच एज अ रिलेटिव प्रोनाउन एक शब्द से रिलेट करता है। द बुक विच, द बॉय विच, आई एम सॉरी नॉट द बॉय, द हाउस विच, द हॉर्स विच, लेकिन कई बार किसी एक शब्द से रिलेशन नहीं होता, कई बार कुछ शब्दों के समूह से भी रिलेशन हो सकता है। तो विच वहाँ वापस यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए, ना कि किसी एक लेटर, एक वर्ड या किसी भी एक चीज़ के लिए। सो द ही हैज़ पेड ऑफ हिज डेट्स, उसने अपनी उधारी चुका दी है, और चूंकि उसने अपनी उधारी चुका दी है, ये बात सिद्ध करती है कि वो ऑनेस्ट है, उसकी ईमानदारी काबिले तारीफ है। सो विच इज अ प्रूफ, व्हाट इज प्रूफ? द प्रूफ इज दैट ही हैज पेड ऑफ हिज डेट्स। यहाँ पर विच का एंटीसिडेंट यानी रिलेट करने वाला शब्द एक नहीं है, पूरा का पूरा सेंटेंस है। आई होप सो दिस मस्ट बी क्लियर टू यू प्रैक्टिकली, लॉजिकली एंड इनडायरेक्टली ग्रामेटिकली। आई रिपीट, द गर्ल हु वॉज सेड टू बी ड्रंक विच वॉज नॉट द केस। कहा गया था कि लड़की ड्रंक है, ये केस था ही नहीं, तो यहाँ पर विच ड्रंक के लिए नहीं है, पूरी की पूरी नाउन फ्रेज के लिए है। He said he saw me in the garden. उसने कहा था कि उसने मुझे गार्डन में देखा था। ये बात तो झूठ है, तो यहाँ पर ये बात झूठ है क्या कि उसने मुझे गार्डन में देखा था, ना कि गार्डन झूठ है। You are here, which is fortunate. आप यहाँ तक आए, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात यहाँ है, आप नहीं है, आप यहाँ तक आए, आप मेरे पास हैं, यही बहुत अच्छी बात है। Which का रिश्ता यहाँ पूरी फ्रेज से है, क्लॉज से है, सेंटेंस से है। और ही हैज़ पेड ऑफ हिज डेट्स, उसने अपनी उधारी चुका दी है, ये बात सिद्ध करती है कि वो ईमानदार है। सो यहाँ पर विच का इस्तेमाल किसी एक शब्द के लिए नहीं, पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए है। आप इन्हें लिख सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो ये तो देख लिया कि जनरल तौर पर जहाँ इंसान ना हो वहाँ पर सारा काम, सारा बर्डन विच को ही उठाना पड़ता है, चाहे वो किसी शब्द के लिए हो, दैट मस्ट बी अ नॉन लिविंग और एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट और अ थिंग, या फिर पूरे के पूरे फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज या पूरे सेंटेंस के लिए हो। आगे बढ़ें तो मुझे एक क्वेश्चन याद आता है, इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन कही थी कि ठीक है, मान लिया द बुक विच और ये केस नहीं था, इन सब चीज़ों के लिए विच इस्तेमाल करते हैं। मुझे कुछ जीएस के क्वेश्चन याद आते हैं, मुझे केबीसी की लाइंस याद आती हैं कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो कभी कभी हम लोग हु का इस्तेमाल कर लेते हैं। हु वाज दैट, कौन था, ठीक है भैया हु लिखा है। अब मुझे एक डाउट है कि मैंने शायद ऐसा भी देखा है कि विच का इस्तेमाल इंसानों के लिए करते हैं, जो मुझे तो नहीं लग रहा कि होता है। हमें तो याद है कि विच हमेशा नॉन लिविंग्स के लिए आता है। तो एक छोटी सी लाइन कहना चाहूँ, जब हम जीएस के क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी अभी किस खिलाड़ी ने खिताब जीता है, क्या क्वेश्चन जिसके पास चार ऑप्शन होते हैं, ये नाम वो नाम, चार नाम दिए गए हैं, क्वेश्चन क्या स्टार्ट होता है, हु ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज द विनर ऑफ दिस वर्ल्ड कप और एनी कॉम्पिटिशन, हु ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स, शायद नहीं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स, इनमें से कौन से खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा शतक किए हैं इस साल, हु ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स, हाँ ना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स। केबीसी में भी तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से कौन से एक्टर की सबसे ज्यादा हिट मूवीज गई थी लास्ट ईयर 2018 में, तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन में जिसमें चार ऑप्शन है, एक्टर्स के नाम है, एक्ट्रेस के नाम है, सिंगर्स के नाम है, कोई भी, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, हु ऑफ द फॉलोइंग, बिल्कुल नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऐसा क्यों, वहां तो भाई इंसान थे। तो प्लीज सुनिएगा, जनरल तौर पर कई बार चीज़ें, मैं तो हमेशा कहता हूँ, आपसे भी, खुद से भी, अपने क्लासरूम में, हर जगह पर, कि लैंग्वेज पे परफेक्शन लाना इम्पॉसिबल है। ये सच्चाई है, मैच्योरिटी है, बाकी आप मानिएगा। जितनी चीज़ें हमें आती हैं वो सफिशिएंट कभी नहीं है, लैंग्वेज की कभी कमांड नहीं हो सकती, जितना जानोगे उतना कमी पड़ जाती है, बिकॉज बहुत ब्रॉड होती है लैंग्वेज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ इन लाइन्स के साथ, जनरली हु का यूज़ इंसानों के लिए करते हैं सब्जेक्टिव केस में, कई बार सुन लिया रट गया होगा, हुम का यूज़ इंसानों के लिए करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, विच का यूज़ इन दोनों को हटाकर हर चीज़ के लिए करते हैं, फॉर नॉन लिविंग्स, फॉर एनिमल्स, फॉर ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और पूरे के पूरे फ्रेज और क्लॉज के लिए। लेकिन हाँ, जब चॉइस की बात आती है, जब चुनने की बात आती है, जब चुनाव की बात आती है, तो वहाँ पर हर किसी के लिए सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल होता है, विच। आई रिपीट, जनरली हम हु, whom और विच को इंसानों के लिए और नॉन लिविंग्स और नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ चॉइस का केस आता है, जहाँ कुछ में से सिलेक्शन की बात आ जाती है, उस केस में हर जगह पर विच का ही इस्तेमाल होता है। मैं हमारी भाषा में बात करना चाहूँ, कौन है वो, तो मेरे शब्द हिंदी में रहे कौन है वो, हु का इस्तेमाल किया। यार इन लोगों में एक मेरा भाई था, वो चोर ना इन्हीं लोगों में बैठा हुआ है, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कौन है, मेरे वर्ड्स चेंज होंगे, इनमें से कौन है, इनमें से कौन सा है, आपके वर्ड्स ट्रांसलेट होंगे। आई रिपीट, जनरली मैं पूछूं कौन था वो, तो यहाँ पर कौन इस्तेमाल करेंगे, हु वाज दैट, लेकिन वो इन्हीं लोगों में से एक है, तो बताओ जरा, मुझे बताओ, इनमें से कौन है ना होकर इनमें से कौन सा है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, इंसान हो, गाय, बैल, जानवर, कोई भी हो सकता है। आई रिपीट, ये जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें एक मेरा भाई भी है, तो आपका भाई इनमें से है, बताना जरा इनमें से कौन है ना होकर इनमें से कौन सा है। एक छोटी सी लाइन जो भी एग्जाम्पल पे लिखूंगा, माँ जानती है उसका कौन बच्चा भूखा है, सही लगा सुनने में, हमारी भाषा जिसकी हमें ग्रामर भी इतनी नहीं आती, माँ जानती है उसका कौन बच्चा भूखा है नहीं कहा जाता, जिसे माँ जानती है उसका कौन सा बच्चा भूखा है। तो जब चॉइस की बात आती है वहाँ पर इंसानों के साथ भी विच का इस्तेमाल करते हैं। आई रिपीट, जनरली हु, हुम और विच का डिस्क्रिप्शन कॉमन है। हु सब्जेक्टिव केस इंसानों के लिए, हुम ऑब्जेक्टिव केस इंसानों के लिए, विच फॉर नॉन ह्यूमन बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट, थिंग्स। लेकिन जहाँ चॉइस की बात आती है तो माँ जानती है उसका कौन सा बच्चा भूखा है। चॉइस के केस में इंसानों के साथ भी हर जगह पर विच का ही इस्तेमाल होता है। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। एब्सोल्युटली, द मदर नोज हु ऑफ हर चिल्ड्रन इज हंग्री। माँ जानती है उसका कौन बच्चा भूखा है। जैसा अभी आपसे कहा, माँ जानती है उसका कौन बच्चा भूखा है ना होकर, क्योंकि उसके बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से आपको चॉइस दिखानी है। इनमें से आपकी किताब कौन सी है, इनमें से आपका घर कौन सा है, ना कि कौन है। तो माँ जानती है उसका कौन बच्चा भूखा है ना, माँ जानती है उसका कौन सा बच्चा भूखा है। द मदर नोज विच ऑफ हर चिल्ड्रन इज हंग्री। आई रिपीट, द मदर नोज विच ऑफ हर चिल्ड्रन, उसके बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से कौन भूखा है नहीं, उनमें से कौन सा भूखा है। तो वी हैव टू से द मदर नोज विच ऑफ हर चिल्ड्रन इज हंग्री। In the same formulation, who of the following players has won this World Cup cricketing competition or any competition ever? तो इनमें से कौन खिलाड़ी ने, इनमें से कौन खिलाड़ी ने, शायद हम लोग नहीं कहते हैं, हम कहते हैं इनमें से कौन से खिलाड़ी ने। चार ऑप्शन भी हैं आपके पास, मैंने बहुत अच्छे ऑप्शन लिखे हैं एक्चुअली। इनमें से कौन खिलाड़ी ने ना होकर हम लोग कहते हैं इनमें से कौन से खिलाड़ी ने। तो वी कैन नॉट से who of the following players। जब भी हम KBC, GS वगैरह कहीं भी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो हमेशा सेंटेंस स्टार्ट होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स। आई रिपीट, ये चॉइस की बात है। अगर मुझे पूछना हो 2013 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है, तो वहां पर मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, हु हैज हिट दिस एंड दैट। इनमें से कौन है, तो इनमें से कौन नहीं कहा जाता, इनमें से कौन सा है। उस केस में आपको चॉइस दिखाने के लिए हु की जगह पर विच लिखना होगा। आई रिपीट, माँ जानती है कौन सा बच्चा भूखा है, इनमें से कौन से खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं या जो भी काम किया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बैट्समैन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल, ईटीसी जो आप कहना चाहें। तो इनमें से कौन सा दिखाने के लिए विच का इस्तेमाल करें इन केस ऑफ अ चॉइस। सिमिलरली, विच ऑफ दीज जेंटलमैन इज मिस्टर शर्मा। इनमें से शर्मा जी कौन है ना होकर इनमें से कौन से हैं। आप तो बोल रहे थे कि इन्हीं लोगों में से कोई है, तो इनमें से कौन से हैं आप बताइए जरा उनके बारे में। तो विच ऑफ दीज जेंटलमैन इज मिस्टर शर्मा। मैं अगर यहाँ हु लिख देता कि हु ऑफ दीज जेंटलमैन, तो मेरा सेंटेंस गलत हो जाता। तो यहाँ पर विच का इस्तेमाल करना ही जायज़ है, विच ऑफ दीज जेंटलमैन इज मिस्टर शर्मा। आई रिक्वेस्ट यू इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ चार चीज़ों को एंड करना चाहूँगा कि द वेरी फर्स्ट थिंग, हु का यूज़ इंसानों के लिए करते हैं इन केस ऑफ सब्जेक्टिव केस, हुम का यूज इंसानों के लिए करते हैं इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, विच का इस्तेमाल साधारणतः हम लोग नॉन लिविंग्स के लिए करते हैं, प्लस हम जानवरों के लिए, ऑब्जेक्ट और थिंग्स के लिए, बट स्पेशल कैटेगरी स्टार मार्क करके अप्लाइड है, कंडीशंस अप्लाइड, कि अगर चॉइस की बात होती है तो वहाँ पर इंसानों के साथ भी या किसी के साथ भी हमेशा विच का ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर से एक बार कह दूं प्लीज़ कि माँ जानती है कौन सा बच्चा भूखा है, इनमें से आपका भाई कौन सा है, उनमें से आपकी चॉकलेट कौन सी है, ना कि कौन है। सिमिलरली, इनमें से कौन से खिलाड़ी ने ये जीता है या किया है कुछ भी, और इनमें से कौन सा इंसान आपसे बात कर रहा था। इन जनरल हम चॉइस दिखाने के लिए इंसानों के साथ भी विच यूज़ करते हैं। आप चाहें तो उन्हें लिख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं, यूज ऑफ विच एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप सो मैंने आपको इस वीडियो में कई चीज़ें सिखानी चाहिए और कुछ नया स्टफ जरूर दिया होगा। यूज ऑफ विच एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यहीं फिनिश करना चाहूँगा इन चार शब्दों के साथ कि जनरल तौर पर हु का इस्तेमाल सब्जेक्टिव केस में इंसानों के लिए कीजिए, हुम का यूज़ ऑब्जेक्टिव केस में इंसानों के लिए कीजिए, विच को साधारणतः हम लोग नॉन लिविंग्स के लिए, नॉन ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, ऑब्जेक्ट और थिंग्स के लिए करते हैं, और चौथी स्पेशल कैटेगरी जहाँ भी चॉइस की बात आती है तो फिर वहाँ हु और हुम इस्तेमाल नहीं किए जाते। वहाँ पर हमेशा कौन की जगह कौन सा, यानी हु और हुम की जगह भी विच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं यूज़ ऑफ हुज इन टर्म्स ऑफ पजेसिव केस कि जब हमें किसी के हक के बारे में पूछना हो, किसी की ओनरशिप के बारे में पूछना हो, किसी के पोजीशन के बारे में पूछना हो, किसी के अधिकार के बारे में पूछना हो, तो वहां पर क्या कहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछना चाहूँ ये चाबी किसकी है, ये पेन किसका है, ये किताब किसकी है, तो मैं नहीं पूछ सकता हूँ कि हु इज दिस बुक, विच इज दिस बुक, या फिर हुम इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, या फिर हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। तो ये तो हुआ पूछने का पार्ट, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनको एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। एक छोटा सा सैंपल कि वो लड़का जिसके माँ बाप आपकी हमेशा मदद करते हैं मेरा दोस्त है। आई रिपीट, वो लड़का जो माँ बाप हु, जिसे माँ बाप हुम, जो भी हिंदी में हो मुझे नहीं पता, विच पेरेंट्स नहीं लिखा जा सकता, लेकिन हाँ द बॉय Whose parents always help you is my friend। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं यूज ऑफ whose as a relative pronoun। Till then, this is Kapil Dev Sharma। Always welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma for your valuable time and for some specific content related to complete English grammar। Thanks for your support. Thanks again and again. Keep watching English by Kapil Dev Sharma for complete English grammar. Thanks a lot.